बादली विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ओम प्रकाश धनखड़ का प्रचार अभियान जारी है और डावला गांव में ओम प्रकाश धनखड़ को खुला समर्थन मिल गया। वहीं ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि गांव इस चुनाव को अपना चुनाव मानकर लड़ रहा है, जीत निश्चित तौर पर उनकी होने वाली है। साथ ही ओपी धनखड़ ने बताया कि बीजेपी का संकल्प पत्र जारी होने के बाद जनता का जुड़ाव और भी ज्यादा हो गया है, माताओं और बहनों का वोट और समर्थन उनके पक्ष में है। साथ ही ओपी धनखड़ ने कहा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र केवल ढकोसला है, बीजेपी का संकल्प पत्र संकल्प से सिद्धि तक ले जाने वाला है। साथ ही उन्होंने बताया उनके समर्थन में वोट अपील करने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री रविंद्रजीत सिंह और साथ ही साथ 28 सितंबर को बादली विधानसभा में जिस तरह से पहुंचने की तैयारी को लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह है वो अलग ही देखने को मिल रहा है। ये मेरा गांव है, पूरा चुनाव गांव की सरदारी से, गांव का एक एक व्यक्ति हर सामाजिक वर्ग से चुनाव में जुटा हुआ है, संभाल रहा है। मैं तो बस ऐसे मिलने के लिए आया था क्योंकि ये मेरी टीम है, इसी टीम के भरोसे जो है मुझे आशीर्वाद मिलता है लोगों का। तो ये सब जो है खुद ओम प्रकाश बनकर चुनाव लड़ रहे हैं और मैं तो एक बार वो बीच में जिसको जैसे अपनी जो वर्करों की टीम की जैसे मीटिंग करते हैं वैसे गाँव की जो है मीटिंग के लिए पूछा था, तो गाँव का पूरा आशीर्वाद मुझे है और गांव के लोग खुद जो है आगे बढ़ चढ़ के चुनाव लड़ रहे हैं। मैं आभारी हूं, कृतज्ञ हूं। 14 के चुनाव में भी इसी तरह से जुटे थे, बीच में भी जुटे, 19 में भी और अब 24 में और तगड़े होकर जुटे। कल देश के प्रधानमंत्री आए थे, क्या फिजा बदली भारतीय जनता पार्टी? निश्चित रूप से जो है अभी ऐसा वातावरण है कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, जो मैंने संकल्प पत्र बनाया है बल्ले बल्ले हो रही है, सब जगह उसी की चर्चा है। हर माता बहन बीजेपी को वोट देगी, 50% तो वे हैं। फिर जो हमने महिला चौपाल और जो है बेटियों के लिए स्कूटी, बड़ी गदगद है आधी आबादी तो वो। फिर हमारे बीसी भाई 25 लाख तक का लोन, जो है आयुष्मान कार्ड 10 लाख की बढ़ोतरी, बुजुर्गों के लिए 5,70,000 से ऊपर वाला किसी जाति वर्ग का हो, एक एक चीज़ जैसे 5 लाख मकान जो है वो गरीबों के लिए बना के, बिजली फिटिंग करके, शौचालय रसोई सब बना कर, कपड़े लेके चले जाइए बस, और कुछ नहीं करना। और उस नाते पूरा चुनाव पूरे रंग में आ गया जी। और 2 लाख नौकरियां बिना खर्ची पर्ची के, एक एक गांव में 30-30, 40-40 बच्चे मिलते हैं जो लगे हुए हैं और खुद आके मिलते हैं और कहते हैं जी हम चुनाव में जुटेंगे। हमको कांग्रेसी तो आपने पता है जो कहने लग रहे हैं कि भाई 50 वोट पे एक नौकरी, कई एक भाई तो नहीं कह रहे चंडीगढ़ लुटने जा रहे हूँ, तो ये जो उनका तो सुपड़ा साहब उनने खुद कर लिया आप पे, अपने घोषणा पत्र पर वो पोत दिया, ये घोषणा पत्र वगैरह उनका कुछ है नहीं। और बीजेपी के घोषणा पत्र की पूरे प्रदेश में जो है बल्ले बल्ले है,